आज हम धम्मपद का अध्याय क्रमांक 25 भिक्खु वग्गो को देखेंगे। सबसे पहले मैं इसको पाली में पढ़ूंगा और उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी पढ़ूंगा। उसके बाद मैं इसका हिंदी में व्याख्यान दूंगा। कृपया आप ध्यानपूर्वक सुने। चक्खुना सवरो साधु साधु सोतेन सवरो घानेन सवरो साधु साधु जिह्वाय सवरो। आँख का संयंत अच्छा है, कान का संयंत अच्छा है, नाक का संयंत अच्छा है, जीवा का संयंत अच्छा है। कायेन सवरो साधु साधु वाचाय सवरो मनसा सवरो साधु साधु सब्बतो सवरो। सब्बत सवतु भिक्खु सब्बदुःखापमुच्यति। शरीर का संयंत रहना अच्छा है, वाणी का संयंत रहना अच्छा है, मन का संयंत रहना अच्छा है। सब इंद्रियों का संयंत रखने वाला भिक्षु सब दुखों से मुक्त होता है। हत संचतो पाद संचतो वाचाय संचातो संचातुतोभ अच्युतरतो समाहितो एको संतुष्यो तमाऊं भिक्खु। जो हाथ पाँव और वाणी से संयंत है, जो उत्तम संयमी है, जो अपने में रत है, जो समाधि युक्त है, जो अकेला रहता है, जो संतुष्ट है, उसे भिक्षु कहते हैं। यो मुख सक्तत्तो भिक्खु मंतवाणी अनुद्धतो अंतधम्मच्च दीपेति मधुर तस्स भासित। जो वाणी का संयमी है, जो मनन करके बोलता है, जो उद्धत नहीं है, जो अर्थ और धम्म को प्रकट करता है, उसका भाषण मधुर होता है। धम्म रामो धम्म रतो धम्म अनुविचन्तय धम्म अनुसर भिक्खु स धम्मान परिहायति। धम्म में रमन करने वाला, धम्म में रत, धम्म में धम्म का चिंतन करने वाला, धम्म का अनुसरण करने वाला भिक्षु सच्चे धम्म में च्युत नहीं होता। धम्म रातो धम्म रतो धम्म अनुविचिन्तय धम्म अनुसरो भिक्खु सद्धम्मान पहियायति। धम्म में रमन करने वाला, धम्म में रत, धम्म का चिंतन करने वाला, धम्म का अनुसरण करने वाला भिक्षु सच्चे धम्म से च्युत नहीं होता। सलाभ नाति मत्तेय नात्रो सपिहय चरे अन्ते सपिहय भिक्खु समाधि नाधि गच्छति। अपने लाभ की अवहेलना न करे और न दूसरे की लाभ की स्पृहा। दूसरे की लाभ की स्पृहा करने वाला भिक्षु चित्त की एकाग्रता को प्राप्त नहीं करता। अपलाभोपि चे भिक्खु सलाभ नाति मत्तति तद्वेदेवापसंसति शुद्धा जीवी अंतदिन्त। चाहे लाभ थोड़ा ही हो, यदि भिक्षु अपने लाभ की अवहेलना नहीं करता तो उस शुद्ध आजीविका वाले आलस्य रहित भिक्षु की देवता भी प्रशंसा करते हैं। सब्बसो नाम रुस्मी अस्म नत्थी ममाईत असताचन सोचती स वे भिक्कुति उच्चती। सारे जगत नाम रूप में जिसका कुछ भी मेरा नहीं है, जो किसी वस्तु के न रहने पर शोक नहीं करता, वही भिक्षु कहलाता है। मता विहारियो भिक्खु प्रसन्नो बुद्ध शासने अधिगच्छे पद संत संघारूपसम सुख। मैत्री भावना से विहार करता हुआ जो भिक्षु बुद्ध के उपदेश में श्रद्धावान है, वह सभी संस्कारों के शमन सुकर स्वरूप शांत पद को प्राप्त करता है। सिच्च भिक्खु
इमानाव शिच्छाति लयू मे सति चेत्वारागच्च दोषच्च ततो निबान मे हिसी। भिक्षु इस नाव को उलोचने से यह नाव तुम्हारे लिए हल्की हो जाएगी, राग और द्वेष को छेद कर तुम निर्वाण प्राप्त करोगे। पंच छिदे पंच जहे पच्चुतरी भावये पच्च संघातियो बिक्कु शोद्यतियो ती उच्चति। जो पाँच को छेदे, पाँच को छोड़े, पाँच की भावना करे और पाँच के संसर्ग को लांग जाए वह भिक्षु बाढ़ से उत्तीर्ण कहा जाता है। जाय विक्कु माच पमादो माते काम गुने भवसु चित्त मा लोह गुल गिली पमत्तो मा कंती दुख मिदंती डय मानो। भिक्कु ध्यान कर, प्रमाद मत कर, देख तेरा चित्त काम भोगों के चक्कर में न फंसे, प्रमत्त होकर लोहे के गोले को न निगल, यह दुख है, जलते हुए चिल्लाकर तुझे रोना न पड़े। नत्ति ज्ञान अपचस्य पज्ञानत्ति अजायतो यमी ज्ञान च पज्ञा च सच्च वे निबान संति के। जिसको प्रज्ञा नहीं उसका चित्त एकाग्र नहीं होता, जिसका चित्त एकाग्र नहीं होता वह प्रज्ञावान नहीं हो सकता। जिसमें ध्यान और प्रज्ञा दोनों है वह निब्बान के पास है। सुच्छागार पवित्रस संत चिस्स भिक्कुनो अमानुषोरति होती समाधम विपस्सतो। एकांत गृह में रहने वाला शांत चित्त सम्यक धम्म को जानने वाले भिक्षु को लोकोत्तर आनंद मिलता है। यतो यतो समसति खंदान उपबय लभती पीति मामोच्च अमतत विजानन। मनुष्य जैसे जैसे स्कंदों की उत्पत्ति और विनाश को देखता है वैसे वैसे वह ज्ञानियों की प्रीति और प्रशंसा रूपी अमृत को प्राप्त करता है। तत्रायमादि भवति युद्धपत्ताय भिक्कुनो इंद्रिय गुत्ति संतुष्टि पति मोक्षे च सवरो। मित्ते भज्जसु कल्याणे शुद्धा जीवी अंतदिद्धे। बुद्धिमान भिक्षु को पहले यह करना होता है इंद्रिय संयंत संतोष और भिक्षु नियमों का पालन। उसे चाहिए कि वे शुद्ध आजीविका वाले आलस्य रहित कल्याण मित्रों की संगति करें। पटी संथार उत्तस आचार कुलतो सिया तत्तो पमोज बहुलो दुख संत कारी संसी। सेवा सत्कार करने वाला हुए आचरवान बने उससे आनंदित होकर सुख का दुख का अंत करने वाला बनेगा। वस्सी काव्य पुप्पानी मद्दावानी पमुच्यति यवरागच्च दोषच्च विपुमुच्चे न भिक्कवो। जैसे जूही कुमलाए फूलों को गिरा देती है उसी प्रकार भिक्षु तुम राग और द्वेष को छोड़ दो। संत कायो संत वाचो संत वासु समाहितो संत लोक मिसो भिक्कु उपसंतोति उच्चति। जिसका शरीर शांत है, जिसकी वाणी शांत है, जिसका मन शांत है, जो समाधि युक्त है, जिसने लौकिक भोगों को छोड़ दिया है वह भिक्षु उपशांत कहलाता है। अंतनाद चोदयांतान पटिमासे अतमत्तान सोवत्तु गुत्तु सत्तिमा सुख भिक्कुवी हा ही सी सी। जो स्वयं अपने आप को प्रेरित करेगा, जो स्वयं अपनी परीक्षा करेगा, जो आत्मसंयमी यानी स्वयं संयमी स्मृतिमान भिक्षु सुखपूर्वक रहेगा। अत्ताही अत्तनो नाथो अत्ताही अत्तनो गति
तस्मासान्यामच्चयात्यान असबद्धवानिजो। आदमी अपना स्वामी आप है, अपना गति आप है, इसलिए अपने आप को उसी तरह संयंत्र रखे जैसे व्यापारी अच्छे घोड़े को। पमोज्ज बहुलो बिक्कु प्रसन्नो बुद्ध शासने अधिगच्चे पद संत संगारूपस सुख। जो भिक्षु खूब प्रसन्नचित है, जो बुद्ध के उपदेश में श्रद्धावान है, वह सभी संस्कारों के शमन सुख स्वरूप शांत पद को प्राप्त करता है। यो हवे दहरो बिक्कु युच्चसे बुद्ध शासने सो इमलोक पब्बासेति अब्बा मुबो चंद्रिमा। जो भिक्षु तरुणाई में बुद्ध शासन में संलग्न होता है, वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति लोक को प्रकाशित करता है। अभी हमने पाली और हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा है, अब हम इसके पश्चात में इसकी हिंदी में व्याख्या देखेंगे। आँख का संयंत्र अच्छा है, कान का संयंत्र अच्छा है, नाक का संयंत्र अच्छा है, जीवा का संयंत्र अच्छा है। अब आँख का संयंत्र अच्छा है, आँख का भी डिसिप्लिन होता है कि क्या चीज़ देखना और क्या चीज़ नहीं देखना। ये जो हमारी आँख है, इसका भी एक डिसिप्लिन है कि क्या चीज़। जैसे तथागत उस समय भिक्षुओं को आदेश देते थे कि जब आप भिक्षा टन के लिए जाते हो तो आपको कोई अगर सुंदरी कोई महिला आ गई तो एकदम से उसके शरीर को नहीं देखना है, आपको नीचे मुंडी डाल के ही भिक्षा पात्र में भिक्षा लेना है। क्योंकि ऐसा होता था कि नया नया भिक्षु है, प्रशिक्षित नहीं है तो उसके विचारों को वो कंट्रोल नहीं कर पाता था, वो समझ नहीं पाता था, तो उसके विचार में अलग तरीके के विचार आते थे। तो तथागत ये चीज़ जानते थे कि पहले इनको प्रशिक्षित करना जरूरी है, तो इसलिए वो ऐसा प्रशिक्षण देते थे। तो यहाँ पर क्या है, आँख का संयंत्र अच्छा है। आँख बहुत पावरफुल चीज़ है, कोई भी दृश्य को वो लेती है और दृश्य को लेके उसका विचार मन में विचार उत्पन्न होते हैं, फिर उसके प्रति एक भावना जगती है, तो इसलिए आँख का संयंत्र अच्छा है, ऐसा तथागत कह रहे हैं। कान का संयंत्र अच्छा है, कान से जो चीज़ सुन रहे हैं वो सुनने के बाद में चित्त के अंदर में ब्रेन के अंदर में उसके प्रोग्राम बनती है। तो सुनना भी कौन सी चीज़ सुनना है, जो अच्छी चीज़ें उसको सुनना है, गलत चीज़ को नहीं सुनना है। गलत चीज़ को ऐसी चीज़ को नहीं सुनना है कि जो आपकी कामाशक्ति को बढ़ाए, आपके आलस्य को बढ़ाए, आपको लापरवाह बनाए, आपके समाधि चित्त को असमाधिस्थ करे, आपकी एकाग्रता हीन कर दे, ऐसा नहीं सुनना है, ऐसे शब्द नहीं सुनना है, ऐसी बातें नहीं सुनना है, ऐसी बातों से दूर रहना है। ऐसी बातें जहाँ हो रही है, जहाँ गलत बातें हो रही, गलत डिस्कशन हो रहा, वहाँ नहीं बैठना है और वो सुनना नहीं है। ऐसे तथागत कह रहे, किसी की निंदा हो रही, किसी की गलत तरीके से डिस्कशन हो रहा जिसका कोई उद्देश्य नहीं, बगैर उद्देश्य की बातें हो रही, ऐसी चीज़ें कान से नहीं सुनना है। तो कान का संयंत्र अच्छा है, नाक का संयंत्र अच्छा है। नाक से कोई चीज़, नाक से क्या होता है कि हम सुगंध लेते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम नाक से भी हम लोग कोई चीज़ को आकर्षित हो जाते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये है, तो इस प्रकार से हम अपनी कैलकुलेशंस लगाना चालू करते। तो तथागत कहते हैं कि वही उधर ही जाओ कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आपके नाक के द्वारा, आप जागृत रहो वही चीज़। मतलब नाक से क्या लेते, श्वास लेते, श्वास के प्रति जागृत हो जाओ, संयमित हो जाओ। तो जैसे नाक से श्वास लेते हैं तो आती जाती श्वास को देखते तो क्या संयमित हो जाते, तो हम सब चीज़ों को समझते हैं, तो नाक से भी संयमित हुआ जा सकता है, नाक का संयम भी अच्छा है। जीवा का संयम अच्छा है, जीवा से हम क्या करते, भोजन ग्रहण करते। अब कोई स्वाद के लिए भोजन खाते हैं तो स्वाद के लिए भोजन खाने से कहेंगे अरे बहुत मीठा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तीखा लग रहा है, ऐसा लग रहा है वैसा, तो वो स्वाद के ऊपर बात करेंगे। तथागत कहते हैं स्वाद के ऊपर नहीं, शरीर के लिए आवश्यक है वो चीज़ खाओ, और उसका स्वाद से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे करेला कड़वा होता है लेकिन शरीर के लिए अच्छा होता है, तो जीभ में अगर कड़वा लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर सेहत के लिए अच्छा है तो आप खाओगे नहीं, आप खाना है। तो तथागत कह रहे कि जीवा का भी संयंत्र करना अच्छी चीज़ है। कायेन सवरो साधु साधु वाचाय सवरो, शरीर का संयंत्र अच्छा है, वाणी का संयंत्र अच्छा है, काय को सवरो और वाचाय को भी सवरो, ऐसे तथागत कह रहे। मनसा सवरो साधु साधु सबत्तो सवरो, मन का संयंत्र अच्छा है और सब इंद्रियों का संयंत्र करना अच्छा है। अगर ऐसा भिक्षु कोई करता है तो सब दुखों से मुक्त होता है। शरीर का संयंत्र रखना अच्छा है, संयंत्र कैसा रखना है, उसको
जागृत अवस्था में। शरीर को कैसे रखना है? जागृत अवस्था में। तो शरीर तथागत चक्रमन ध्यान करते थे तो जागृत अवस्था में चलते थे, जागृत अवस्था में सोते थे, जागृत अवस्था में उठते थे, जागृत अवस्था में बोलते थे, तो वो शरीर की हर एक्टिविटी में जागृत रहते थे। तो तथागत अपने भिक्षुओं को भी जागृत रहने के बारे में सिखाते थे। तो शरीर का संयंत अच्छा है ऐसे तथागत करें। फिर वाणी का संयंत अच्छा है, वाणी भी जो बोलना है उस पर ध्यान होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि अंदर से क्रोध आया, क्रोध के कारण गाली गलौज करने लग गए, गलत चीज़ बोलने लग गए, नहीं। तथागत बोल रहे हैं कि उसको डिसिप्लिन करो, वाणी को भी मधुर वाणी के रूप में बोलो, अच्छे बोलो, कर्कश वाणी नहीं, एक मधुर वाणी। जैसे एक बांसुरी की आवाज़ होती है जो एक बहुत अच्छी आवाज़ होती है, और एक आवाज़ होती है कि जैसे डॉग की होती भौंकने की आवाज़ है, वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन बांसुरी की आवाज़ ऐसा लगता है कि बार बार सुना जाए, मधुर संगीत है ना, तो मधुर है। जैसे वीणा के तार है जो मधुर होते, सुनने में बड़े अच्छे लगते, तो वैसे ही वाणी को भी मधुर करो। मधुर करने से क्या होगी, वो अच्छी लगेगी, आपको भी अच्छी लगेगी, दूसरे को भी अच्छी लगेगी। तो वाणी का संयंत अच्छा है, अच्छी वाणी बोलो, अनुशासन में बोलो, डिसिप्लिन में बोलो, मधुर वाणी बोलो, ऐसा तथागत कह रहे हैं। मन का संयंत अच्छा है, मन में विचार, मन का कंट्रोल विचार से, तो मन का भी संयंत अच्छा है। मन का संयंत क्यों अच्छा है? क्योंकि मन अगर संयंत नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। तो गलत डायरेक्शन में गया हुआ मन क्या है? गलत विचारों की तरफ चला जाएगा, गलत विचार उत्पन्न होंगे, गलत सारी चीज़ें होंगी, तो दुख उसके पीछे चला जाएगा। इसलिए क्या, मन को भी डिसिप्लिन करना जरूरी है कि क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, क्या थिंक करना है और क्या नहीं करना है, ये डिसीजन आपको लेना है ना। तो मन का भी संयंत बहुत अच्छा है ऐसा। तो सब इंद्रियों का संयंत रखने वाला भिक्षु सब दुखों से, तो जो पूरी हमारी इंद्रिय जो है, जो कौन कौन सी इंद्रिय है, जो नाक है, काया है, वाचा है, कान है, तो ये जिस प्रकार की हमारी पूरी की पूरी जो इंद्रिय है, वो इंद्रियों का संयंत रखना, मन का संयंत रखना, ये सभी इंद्रियों का संयंत रखना अच्छा है ऐसा तथागत कह रहे हैं। जो हाथ पाव और वाणी से संयंत है, जो हाथ पाव और वाणी से संयंत है, हाथ से संयंत है, पाव से संयंत है, और वाणी से संयंत है। हाथ से कैसे संयंत रहेंगे? चलते हुए हमको मालूम है कि हम हाथ से ये काम कर रहे हैं, पैर से कदम डालते हुए, हाथ से संयंत है, वाणी से संयंत है, और पाव से भी संयंत है। जो उत्तम संयंती है, अपने में रत है, मतलब अपने को ठीक करने में लगा है, जो समाधि युक्त है, मतलब कॉन्सेंट्रेट युक्त है, एकाग्र चित्त है, जो अकेला रहता है, अकेला मतलब वो दुनिया से अपने आप को अलग करके एकांत में आता है, अंदर से अंदर आता है और अंदर अपने आप को शुद्ध करने में टाइम देता है, तो और जो संतुष्ट है उसे भिक्षु कहते हैं। भिक्षु कैसा होता है? जो हाथ पाव वाणी से संयंत है, हाथ से पाव से और वाणी से संयंत है, मतलब हाथ पाव यानी शरीर से संयंत है, उसके शरीर के एक्शन से भी संयंत है, जो एक्टिविटी कर रहा है उससे भी संयंत है, और वाणी से भी संयंत है, तो वो उत्तम संयमी कहलाता है। तो जो अपने में रथ है, मतलब अपने आप को ठीक करने में लगा है, अपने आप को दुरुस्त करने में लगा है, अपने आप को ज्ञानवान करने में लगा है, जो कॉन्सेंट्रेट युक्त है, समाधि युक्त है, एकाग्र चित्त है, और जो अकेला रहता, अकेला काय के लिए रहता है, जो शून्यागार में जाता है या अकेले स्थान पे जाता है, किस लिए जाता है? अपने ज्ञान को अर्जन करने के लिए, प्रज्ञा को प्राप्ति करने के लिए चित्त को एकाग्र करता है, उससे उसको प्रज्ञा की प्राप्ति होती है, तो क्या इसलिए वो अकेला रहता है। अकेला रहने का मतलब ये नहीं है कि समाज के अंदर उसका नाटक टूटता है ना, ज्ञान प्राप्त करने की अकेला रहता है। जो संतुष्ट है, संतुष्ट मतलब कि उसकी जो आवश्यकता है वो बहुत कम है, जैसे तथागत 3 चीवर और दान पात्र और इतना कह के वो भिक्षाटन के लिए जाते थे, ज्ञान अर्जन करते थे, और ज़्यादा अपनी जो दान भी उनको आता था वो दान संघ को दान देते थे, तो वो संतुष्ट है, मतलब अपने को जो जितना चाहिए उतने वो में वो संतुष्ट है, वो ज़्यादा की आशा नहीं करते। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति है उसको भिक्षु कहते हैं, ऐसे तथागत कह रहे हैं। तो ये भिक्षु की एक परिभाषा है, याद ही है। जो वाणी का संयमी है, जो मन नन करके बोलता है, जो वाणी का संयमी है, अब वाणी का डिसिप्लिन मतलब बोलना है, कैसे बोलता है वो मनन करके, क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, कौन से समय में कौन से शब्द बोलना है, कौन से समय में कौन से शब्द नहीं बोलना है, और कब चुप रहना है और कब बोलना है, ये वो जानता है। कैसे जानता है? मनन करके विश्लेषण करके, काय के माध्यम से, स्मृति के द्वारा, तो स्मृति के द्वारा मनन करके बोलता है वो, है ना। तो जो उद्धत नहीं है, उद्धत है ने
ऐसी नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं, मन में आया वो बोल दिया, डांट दिया, किसी को गाली गलौज कर दिया, ऐसा उद्दत नहीं। वो डिसिप्लिन वाला है, अनुशासन वाला है, जो अर्थ और धम्म को प्रकट करता, अर्थ को भी जानता है और धम्म को भी जानता है, दोनों को जानता है, धम्म को भी जानता है और उसके अर्थ को भी जानता है और उसको प्रकट करता है। तो उसका भाषण क्या होता है, मधुर होता है। उसका भाषण जो बोलना होता है वो मधुर होता है, मतलब वो एक मधुर सा से बात कहता है, ऐसा तथागत कह रहे। धम्म में रमन करने वाला, धम्म में रमन, रमन काय में करता, धम्म में, धम्म के अंदर में चिंतन मनन करते हुए वो चलता है, धम्म में रमन करता है, धम्म में रथ है, धम्म के अंदर ही रथ है, धम्म के बाहर नहीं है, वो अपने आप को धम्म के अंदर उसने डाल दिया है। धम्म का ही चिंतन करने वाला, धम्म का चिंतन करता है वो, कि धम्म के अंदर में क्या चीज़ है, अधम्म क्या है, धम्म क्या है, उसका चिंतन करते हुए चलता है। धम्म का अनुसरण करता है, धम्म का अनुसरण करने वाला भिक्षु सच्चे धम्म से च्युत नहीं होता। च्युत नहीं होता मतलब उससे दूर नहीं होता, सच्चा जो धम्म है उसके अंदर आ जाता है। कौन सा आता है, धम्म में रमन करने वाला, धम्म में रत रहने वाला, धम्म का चिंतन करने वाला और धम्म के अनुसरण करने वाला, धम्म के अनुसरण करने वाला, उसको फॉलो करने वाला, वो धम्म से बाहर नहीं जा सकता, उसके अंदर धम्म आ जाता है। अपने लाभ की अवहेलना न करे, अपना जो लाभ है, लाभ क्या है, निब्बान की गति को प्राप्त करना, दुख से मुक्त, ये लाभ कहा गया है। तो अपने लाभ की अवहेलना न करे, न दूसरे की लाभ की स्पृहा, स्पृहा मतलब कि ऐसा नहीं कि भाई मुझे मिल गया और उसको नहीं मिले, उसको भी मिले, ऐसा लगे कि उसको भी मिले जैसे मुझे मिला है, मुझे जो शांति मिली उसको भी मिली मिलनी चाहिए, उसको भी ज्ञान मिलना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए। तो स्पृहा न करे, दूसरे की लाभ की स्पृहा करने वाला भिक्षु चित्त की एकाग्रता को प्राप्त नहीं करता। अगर वो दूसरे की लाभ की स्पृहा करता है, मतलब अवहेलना करता है, तो वो चित्त की एकाग्रता को प्राप्त नहीं करता। क्यों नहीं प्राप्त करता, क्योंकि वो दूसरे की अवहेलना कर रहा है, वो चाहता कि दूसरा एकाग्र नहीं हो, तो एकाग्र नहीं हो ऐसा जब वो चाहता है, तो न चाहना कहाँ से उत्पन्न हो, उसके अंतरतम से, तो अंतरतम से उत्पन्न हो रहा तो चित्त क्या होगा, उसका डवाडोल हो रहा, तो एकाग्र चित्त नहीं होगा उसका, है ना। और जिसका एकाग्र चित्त नहीं होता उसको क्या प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं, जिसको प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं होती उसको एकाग्र चित्त नहीं होता। तो जब प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं होती, मार के बंधन से कैसे हटेगा, वो मार के बंधन से नहीं हट सकता ना, मतलब समझ रहे आप मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, कि प्रज्ञा की प्राप्ति उसको नहीं हो सकती क्योंकि वो एकाग्र नहीं है। चाहे लाभ थोड़ा ही हो, यदि भिक्षु अपने लाभ की अवहेलना नहीं करता तो उस शुद्ध आजीविका वाले आलस्य रहित भिक्षु की देवता प्रशंसा करते। देवता यानी विद्वान लोग, राजा जिन्होंने कुछ अर्जन किया है, वो उनकी प्रशंसा करते। चाहे लाभ थोड़ा ही हो, यदि वह भिक्षु अपने लाभ की अवहेलना नहीं करता है, उसको मालूम है कि मैं डिसिप्लिन रहूँगा, अच्छा कर्म करूँगा, अच्छे से कार्य करूँगा, अनुशासित रहूँगा, ज्ञान अर्जन करूँगा, तो क्या होगा कि मैं अपने लाभ की अवहेलना नहीं करूँगा, मैं शुद्ध आजीविका वाला होऊंगा, आलस्य रहित होऊंगा, और जब आलस्य रहित होऊंगा तो ऐसे भिक्षु की देवता भी प्रशंसा करते हैं। सारे जगत नाम रूप में जिसका कुछ भी मेरा नहीं है, जो किसी वस्तु के न रहने पर शोक नहीं करता, वही भिक्षु कहलाता है। कौन भिक्षु कहलाता है, कि जो जिसका नाम रूप में वो ये समझता है कि ये मेरा नहीं है, न किसी वस्तु के रहने पर, नहीं रहने पर शोक नहीं करता है, वही भिक्षु कहलाता है। इसका मतलब क्या, शोक रहित जो हो चुका है, जो अपने आप को प्रशिक्षित कर रहा है, जो नाम को भी जानता है, रूप को भी जानता है, नाम के साथ रूप बनता है, रूप के साथ नामत, नाम का मतलब है चैतसिक अवस्था है, और रूप चैतसिक अवस्था के कारण रूप बनता है, तो नाम और रूप साथ साथ चलते हैं, जैसे रूप बनता है तो नाम आता है, नाम आता है तो रूप बनता है, तो ये साथ साथ चलते हैं। उसको मेरा कह के नहीं ग्रहण करता कि ये मेरा है, नाम रूप मेरा नहीं होता है, न ये मेरा है, ये तो अनित्य है, तो वो अनित्य के रूप में देखता है। और जो किसी वस्तु के न रहने पर शोक नहीं करता, किसी वस्तु का न रहने पर शोक नहीं करता, क्योंकि वो अनित्य को अनित्य जानता है, जो अनित्य को अनित्य जानता है वो भिक्षु कहलाता है। मैत्री भावना से विहार करता हुआ, मैत्री की भावना से विहार करता भिक्षु जब किसी के घर में जाता है, भिक्षाटन करता है, तब वह मैत्री भाव से विहार करता है। जो बुद्ध के उपदेश में श्रद्धावान है, क्या है, बुद्ध का जो उपदेश है उसके अंदर श्रद्धा रखता है, वो उसको एकदम से श्रद्धा है कि ये जो बुद्ध के उपदेश है ये अच्छाई के लिए है, ये मुझे तरने के लिए है,
मुझे आनंदित करने के लिए, मुझे दुख से मुक्त करने के लिए, और वो पूरी तरह से उसमें श्रद्धावान होता है। सभी संस्कारों के शमन से, सभी उसके अंदर जो संस्कार बनते, कहाँ बनते, चित्त के अंदर में, उसको शमन करता है, उसको ख़त्म करता है, सुख स्वरूप शांत पद को प्राप्त करता है। और शमन करने के कारण क्या, सुख रूप शांत पद कौन सा है, निब्बान का, उसको वो प्राप्त करता है। भिक्षु इस नाव को उलिच, भिक्षु ये जो नाव है इसको उलिच, मतलब इसको तू हल्का कर, इसको खाली कर, उलिचने से यह नाव तुम्हारे लिए हल्की हो जाएगी। कब हल्की हो जाएगी, इसको उलिचोगे, क्या कैसे उलिचना, उसको राग और द्वेष से छेद कर तुम निर्वाण को प्राप्त करोगे। राग और द्वेष, जो शरीर के अंदर में राग है, राग यानी आसक्ति है, द्वेष है किसी के प्रति जो बुरी भावना है, तो ये किसी चीज़ के लिए आसक्ति है जो बंधन है, और जो द्वेष है किसी के प्रति बुरी भावना है, ये दोनों का त्याग कर, दोनों का त्याग करते करते, ख़त्म करते करते तू क्या हो जाएगा कि वो तेरी नाव हल्की हो जाएगी, मतलब ये शरीर हल्का हो जाएगा। वो शरीर जब हल्का हो जाएगा तो तुम निब्बान को प्राप्त करोगे, तुम्हारी गति बढ़ जाएगी, तुम बंधन में बंधे नहीं रहोगे, वही के वही चक्कर नहीं काटोगे खरगोश के जैसे, तुम बंधे हुए खरगोश जैसे न होके एक स्वतंत्र व्यक्ति बन जाओगे। और स्वतंत्र व्यक्ति कब बनोगे कि जब तुम द्वेष को और राग को, आसक्ति को त्यागने के तरफ आगे बढ़ोगे। तो त्यागोगे कैसे, धीरे धीरे त्यागोगे, एकदम से एक दिन में तो नहीं त्यागना होगा, लेकिन धीरे 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 अपने को प्रशिक्षित करके त्यागोगे, और त्यागने के कारण ये तुम्हारी नाव है, जो तुम्हारा शरीर है, ये हल्का हो जाएगा और तुम निब्बान को प्राप्त करोगे। जो पाँच को छेदे, पाँच को छोड़े, पाँच की भावना करे और पाँच के संसर्ग को लागे, वह भिक्षु बाढ़ से उत्तीर्ण कहा जाता। बाढ़ में कौन नहीं डूबता है, जो पाँच छेदे, पाँच को छोड़े, पाँच की भावना करे और पाँच के संसर्ग को लाग जाए, वह भिक्षु बाढ़ से उत्तीर्ण कहा जाता है। जो पाँच को छेदे, पाँच को छोड़े, पाँच की भावना करे और पाँच के संसर्ग को लांग जाए, वह भिक्षु बाढ़ से उत्तीर्ण कहा जाता है। अब पाँच को छेदे, पाँच छेदे कौन सी है इसमें, वो है सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा संदेह, सिलवर्त परामर्श, कामराग और रूपराग। पाँच को छोड़े, किसको छोड़ना है, अरूपराग, प्रतिज्ञा, मान, औदत्य और अविद्या। पाँच की भावना करे, किसकी भावना करे, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, ये पांच इंद्रियों की भावना करें। और पांच को लांग जाए, किसको लांगना है, राग, द्वेष, मोह, मान और दृष्टि। दृष्टि कौन सी है, सत्काय दृष्टि, मान यानी अभिमान, मोह यानी मूर्ता, तो इसको लांग जाए, राग यानी आसक्ति, तो द्वेष, राग, द्वेष, मोह, मान और दृष्टि इसको लांग जाए, इसको लांग जाए, वह भिक्षु बाढ़ से उत्तीर्ण कहा जाता है। बाढ़ से उत्तीर्ण मतलब बाढ़ में से बाहर निकला हुआ कहा जाता है, तो बाढ़ में डूब नहीं रहा है वो, बाढ़ से उत्तीर्ण कहा गया, मतलब बाढ़ में से निकलकर बाहर आया हुआ कहा जाता है। भिक्षु ध्यान कर, प्रमाद मत कर, देख तेरा चित्त काम भोगों के चक्कर में न फंसे। भिक्षु ध्यान कर, तू ध्यान कर, प्रमाद मत कर, लापरवाह मत, बेपरवाह मत बन तू, ध्यान कर, एकाग्र चित्त कर, अपने चित्त को तू ध्यान कर, देख तेरा चित्त काम भोगों के चक्कर में न फंसे। देख सावधान रहे, तेरा चित्त जो है वो काम भोगों के चक्कर में न फंसे। प्रमत्त होकर लोहे के गोले को न निगल, प्रमत्त होकर, प्रमाद से युक्त होकर लोहे का गोले को मत निगल तू। यह दुख है, जलते हुए चिल्लाकर तुझे रोना न पड़े, नहीं तो क्या है, इस दुख में तू जलते हुए रोना न पड़े, इसलिए तू क्या कर, ध्यान कर, प्रमाद मत कर, चित्त को काम भोगों के चक्कर में मत फंसा। प्रमत्त होकर लोहे के गोले को नहीं गल, सब दुखों दुख है, जलते हुए चिल्लाकर तुझे रोना न पड़े, ऐसा तथागत अपने भिक्षुओं से कह रहे हैं। जिसको प्रज्ञा नहीं, जिसका चित्त एकाग्र नहीं होता, अब जो प्रज्ञावान नहीं है उसका चित्त एकाग्र नहीं होता, जिसका चित्त एकाग्र नहीं होता,
वह प्रज्ञान नहीं हो सकता। तो जहाँ प्रज्ञा है वही चित्त एकाग्र होगा, जहाँ चित्त एकाग्र है वहाँ प्रज्ञा होगी। तो प्रज्ञा के लिए क्या जरूरी है? चित्त की एकाग्रता। वो चित्त एकाग्र है तो प्रज्ञा आएगी। तो प्रज्ञा और चित्त की एकाग्रता साथ साथ चलती, ऐसे तथागत कह रहे। तो जिसमें ध्यान और प्रज्ञा, ध्यान ध्यान का किस चीज का? चित्त की एकाग्रता का ध्यान। जिसमें ध्यान और प्रज्ञा दोनों है वह निब्बान के पास है, वही निब्बान के पास है जिसके पास ध्यान है और प्रज्ञा है। एकांत ग्रह में रहने वाला, एकांत ग्रह मतलब क्या होता है? शून्यागार। शून्यागार के अंदर में क्या होता है? चित्त एक समाधिस्थ होता है और एकाग्र चित्त जल्दी हो जाता है। तो इसलिए तथागत उस समय शून्यागार अपने भिक्षुओं के लिए बनाने के लिए कहते थे, उनको शून्यागार में जाने के लिए कहते थे। अभी भी हम लोग जैसे कई विहारों में गए, कई ऐसे जगह गए कि जहाँ पर देखा कि हमने विहार देखे, वहाँ पे एक शून्यागार होता है जहाँ एक ध्यान का एक अलग ही कमरा होता है जिसमें एकांतवास भी कहा जाता है। तो शून्यागार, शून्यागार या उसको एकांत ग्रह में रहने वाले शांत चित्त, चित्त क्या होता है? उनका बिल्कुल शांत होता है। सम्यक धम्म को जानने वाले भिक्षु लोकोत्तर आनंद मिलता है। उसको क्या मिलता है? लोक, लोक यानी शरीर से बाद वाला आनंद। तो वो वाला आनंद उसको मिलता है, इसलिए शून्यागार में जाना चाहिए, ऐसा तथागत कह रहे हैं। एकांत में जाना चाहिए, एकांत में जाके ध्यान करना चाहिए, ऐसा तथागत कह रहे हैं। मनुष्य जैसे जैसे स्कंदों की उत्पत्ति और विनाश को देखता है, स्कंद जो है उस स्कंदों की उत्पत्ति और विनाश को देखता है। तो स्कंद कौन से है जो तथागत ने कहा है? कौन से है? रूप, रूप वाला जो स्कंद है, संध्या है, वेदना है, संस्कार है, ये जो स्कंद है इसकी उत्पत्ति और विनाश को देखता है। जानना, कोई चीज़ को जानना, उसका नष्ट होना, फिर संस्कार का बनना, संस्कार का नष्ट होना। तो कोई चीज़ बनती है, नष्ट होती है, जब वो व्यक्ति ऐसा देखता है तो जैसे जैसे स्कंदों की उत्पत्ति को देखता है और विनाश को देखता है, वैसे वैसे ज्ञानियों की प्रीति और प्रसन्नता रूपी अमृत को प्राप्त करता है। वो ज्ञानियों की प्रीति, ज्ञानियों की जो प्रीति, ज्ञानियों ने जो प्रीति को पाया है उस प्रीति और प्रसन्नता रूपी अमृत को प्राप्त करता है। वो क्या करता है? प्रीति और प्रसन्नता। वो कौन सा स्थान है? वो अमृत वाला स्थान है, उसको वो प्राप्त करता है। अमृत वाला स्थान कौन सा है? निब्बान का स्थान है, उसको वो प्राप्त करता है। बुद्धिमान भिक्षु को पहले यह करना होता है, क्या करना होता है बुद्धिमान भिक्षुओं को? पहले इंद्रिय संयंत, इंद्रियों को संयंत करना होता है। इंद्रिय कैसे संयंत करना है? बोलना है तो जानकर बोलना है, देखना है तो संयमित देखना है, खाना खाना है, भोजन खाना है तो जानकर खाना है, चलना है तो जानकर चलना है, सोना है तो जानकर सोना है, करवट लेकर सोना है, जागृत अवस्था में सोना है, उठना है तो जागृत अवस्था में उठना है, चलना है तो, ये क्या होता है? ये इंद्रिय सवर होता है। इंद्रिय सवर, संतोष, संतोष करना होता, संतोष यानी आनंद, आनंद मनाना होता है। ऐसा नहीं कि उसके पास ज़्यादा है मेरे पास कम क्यों है, क्योंकि उसको तो वो तो घर छोड़ के आया, प्रव्रजित हो गया है, तो वो संतोष मानेगा, संतोष। और भिक्षु नियमों का पालन करना, भिक्षुओं के लिए जो नियम बने हैं, जो अनुशासन नियम, उसको पालन करना होता है। वह शुद्ध आजीविका वाले आलस्य रहित कल्याण मित्र की संगति करे। और क्या करना होता है उसको? शुद्ध आजीविका वाले, जिनकी आजीविका अच्छी है और आलस्य रहित है, कल्याण मित्र मतलब कल्याण यानी अच्छे लोग, अच्छे मित्र, उसकी संगति करना होता है, सुसंगति में रहना होता है। सेवा सत्कार करने वाला होना होता है, सेवा और सत्कार। सेवा किसकी करना है? अपने आदरणीय पूज्य जो खुश के ज्ञान से ज़्यादा बड़े ज्ञानवान भिक्षुओं की सेवा भी करना है, सत्कार करना है। क्योंकि सेवा और सत्कार करेंगे तो वो क्या करेंगे? वो ज्ञान देंगे, उनका अच्छे से शिष्य बनना है, उनको गुरु की एक उपाधि देना है, उनका एक आदर करना है, सम्मान करना है, ऐसा तथागत कह रहे। आचारवान बने, आचारवान मतलब आचरण से अच्छा बने, उससे आनंदित होकर दुख का अंत करने वाला बनेगा। उससे आनंदित जब होगा तो दुख का अंत करने वाला बनेगा। अंत करने वाला क्यों बनेगा? क्योंकि उसको जो मार्गदर्शन मिलेगा, एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, ऐसा तथागत कह रहे। जैसे जूही अपनी कुमलाए फूलों को गिरा देती, जूही क्या करती है? कुमलाए जो फूल होती है उसको गिरा देती है। उसी प्रकार तुम राग और द्वेष को छोड़ दो, राग और द्वेष को छोड़ दो। राग यानी आसक्ति और द्वेष है, किसी के प्रति द्वेष की भावना है, उसको दोनों को छोड़ दो, ऐसा तथागत कह रहे। जिसका शरीर शांत है, जिसकी वाणी शांत है, शांत मतलब डिसिप्लिन, जिसका शरीर डिसिप्लिन हो गया
शांत हो गया, आनंदित हो गया, जिसकी वाणी शांत है, डिसिप्लिन हो गई वाणी, जिसका मन शांत है, जो समाधि युक्त है, जिसका चित्त क्या होता है, समाधि युक्त होता है, मन भी शांत है, चित्त समाधि युक्त है, जिसने लौकिक भोगों को छोड़ दिया, जो लौकिक जो भोग है, जो लोक के जो भोग है, लौकिक यानी लोक के जो भोग है, भोग कौन से, काम भोग है, आसक्ति है, इस प्रकार की चीज़ों को उसने छोड़ दिया है, वह भिक्षु उपशांत कहलाता। वो क्या है, उपशांत है मतलब शांत है, जो स्वयं अपने आप को प्रेरित करेगा, जो स्वयं खुद को प्रेरित करेगा, अपने आप को प्रेरित करेगा, जो स्वयं अपनी परीक्षा लेगा, अपनी परीक्षा लेगा, कि वो ऐसी परीक्षा लेगा कि किसी ने उसको अगर गाली दे दी तो वो देखेगा अपने अंदर कि क्या मुझे क्रोध तो नहीं उठ रहा है, कोई ऐसी परीक्षा लेगा कि कोई अगर कोई नवयौवना दिख गई तो क्या ऐसा तो नहीं देखेगा उसके अंदर कामवासना जग रही है, वो अपनी परीक्षा लेगा, वो ये देखेगा कि कहीं उसको बोलने के लिए दिया तो ऐसा तो नहीं कि माइक पकड़ के बोल रहा है कि अब मैं खुद बोलते ही रहूँगा, कोई किसी को ज्ञान ही नहीं, अब मुझे ही बोलने दिया जाए, ऐसा तो नहीं है, ऐसी तो आसक्ति नहीं हो रही, तो देखेगा अपने आप को, टेस्ट करेगा, अपनी परीक्षा लेगा, वह आत्मसंयमी स्मृतिवान भिक्षु सुखपूर्वक रहेगा। वह आत्मसंयम मतलब खुद को संयम करने वाला, डिसिप्लिन करने वाला स्मृतिवान यानी जागृत भिक्षु क्या करेगा, सुखपूर्वक होता है, सुखपूर्वक होगा, वो सुखपूर्वक रहेगा, ऐसा तथागत कह रहे। क्योंकि क्या आगे तथागत कह रहे, आदमी अपना स्वामी आप है, क्योंकि आदमी अपना स्वामी आप है, अपनी गति आप है, आदमी अपना ही स्वामी आप है, और अपनी गति भी, अपने आप को डिसिप्लिन करने वाला, अपने आप को जागृत करने वाला, अपने आप को अनुशासन करने वाला, अपने आप को गतिमान करने वाला कौन है, खुद ही है, तो अपना स्वामी आप ही है, अपनी गति आप ही है, इसलिए अपने आप को उसी तरह संयंत्र रखे जैसे व्यापारी अच्छे घोड़े को, अच्छा घोड़ा जो होता है व्यापारी उसको डिसिप्लिन में करता है, क्यों डिसिप्लिन में करता है, क्योंकि उसका सामान लदा होता है, और कहीं अगर उल्टी सीधी जगह जाए तो सामान को गिरा सकता है, क्योंकि उस समय घोड़े में ही सामान इधर से उधर ले जाते थे, तो व्यापारी अपने घोड़े को डिसिप्लिन करता था, ऐसे अपने आप को डिसिप्लिन कर, गतिमान कर, स्वामी तुम अपने आप बन, अपने आप ही स्वामी हो, तो तथागत कह रहे आप अपना स्वामी है, आप अपना गति है, इसलिए अपने आप को उसी तरह संयंत्र रखे, डिसिप्लिन में रखे जैसे घोड़े को व्यापारी रखता है, जैसे घोड़े को, तो तुम अपने आप को ऐसे संयमित रखो जैसे घोड़े को व्यापारी रखता है। जो भिक्षु तरुणाई में बुद्ध शासन में संलग्न होता है, तरुणाई के अंदर, तरुणाई मतलब जवानी में, अब लोगों की ये धारणा है कि हम बूढ़े हो जाएंगे तब ध्यान करेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे, जब हम सर्विस से रिटायर हो जाएंगे, जब हमसे चलना नहीं होगा, कोई काम धाम नहीं रहेगा, तब हम धम्मपद को पढ़ेंगे, तब ज्ञान को अर्जन करेंगे, तो तथागत कह रहे कि ऐसा नहीं करना है, आपको तरुण अवस्था के अंदर ही ज्ञान अर्जन करना है। तो तथागत कह रहे कि जो तरुण अवस्था के अंदर ज्ञान अर्जन करता है उसके साथ क्या होता है, वो मेघ से मुक्त, क्योंकि मेघ है, मेघ यानी क्या है, बादल, बादल से मुक्त चंद्रमा की भांति, चंद्रमा कैसा होता है, पहले बादलों में होता है, बादल जब चले जाते हैं तो बादल जैसे ही चले गए तो चंद्रमा मुक्त हो जाता है, तो एक प्रकाशमान हो जाता है, तो ऐसा तरुण भिक्षु जब बुद्ध शासन में आता है तो चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है, इस लोक को प्रकाशित करता है मतलब इस लोक को ज्ञान प्रदान करता है जो उसने प्राप्त किया है, इसलिए तरुणाई के अंदर में ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि चीवर पहनो तो ही ज्ञान प्राप्त करो, आप ग्रस्त होकर भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको इतनी उम्र होनी चाहिए, उतनी आपकी जो भी उम्र हो उस उम्र के अंदर में ज्ञान प्राप्त करो, और ये धम्म ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि ये आपको बाढ़ से बचाने वाला है, जीवन में जो बाढ़ है, मृत्यु है, आने वाली है, उस मृत्यु से बचाने का तरीका क्या है, धम्म ही है, वो धम्म आपको उस गति को सदगति में ले जाएगा, गति को सदगति में ले जाएगा, एक प्रकाशमान करेगा आपको, आंतरिक रूप से प्रकाशमान करेगा, जब आंतरिक रूप से आप प्रकाशमान होंगे तब दुनिया को आप प्रकाश दे सकते हो, तब ज्ञान दे सकते हो, और आपके ज्ञान से दुनिया के अंदर में भलाई हो सकती है, इसलिए जो तरुण है, बलशाली है, वो अधिक से अधिक धम्म के अंदर में आए, धम्म का ज्ञान प्राप्त करे और अपने जीवन को सुख रूप बनाए। तो आज हमने भिक्षु वर्ग को यहीं पर सुना, और सुनने के बाद अब हम मैं ये कहता हूँ कि आप इसको अच्छे से जान के इसको ग्रहण करें। आज का अध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आपने इसको बहुत अच्छे से सुना इसलिए आपका धन्यवाद। आप
हमारे वीडियो को लाइक करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।